नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार का लास्ट वर्किंग डे है वीक का। जानेंगे रूपा मेहता से कि कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर से, और गोल्ड और सिल्वर पर चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हमारे साथ रूपा मेहता। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, गोल्ड में देख रहे हैं कि हल्की सी जो प्राइसेस हैं थोड़े से रिवाइव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी लाल निशान पर ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी ऐसी संभावना है कि गोल्ड और सिल्वर यहां से और लुढ़के, क्योंकि जिस हिसाब से देख रहे हैं कि डॉलर में तेजी है तो वो तेजी फिर से बन सकती है? देखिए, डॉलर में आ रही स्ट्रेंथ की वजह से ही हम गोल्ड में देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती दिखाई दे रही है और मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है। और अभी भी आज की 1800 के ऊपर तो गोल्ड जो है एक बार फिर से ट्रेड करते दिखाई दे रहा है काफी टाइम से, और 1840-14 का जो है सपोर्ट था, जिससे भी ब्रेक किया है ऊपर में, तो ट्रेंड तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉलर में अगर स्ट्रेंथ आती है तो प्रेशर बढ़ सकता है, अदरवाइज जो है सपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है 1840 के ऊपर निकलता है तो 1860 डॉलर की तेजी भी बन सकती है, और चांदी भी 22 डॉलर तक उसकी स्तरों पर जा सकती है। तो 50,000 के नीचे की लेवल गोल्ड में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। और सेलिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म वैल्यू हो सकती है इंट्राडे फैक्टर से, लेकिन मुझे तो लॉन्ग टर्म आपको पॉजिटिव लगता है। जब तक 1800 डॉलर के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक इसमें डिप पर बाइंग करते रहे, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म होराइज़न लेकर चलना चाहिए गोल्ड में, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से गोल्ड में बाइंग रहना चाहिए। और एक्सपेक्टेड है कि पूरा ईयर अगर समझे और मार्केट में जो टारगेट है वो 52,000 से 55,000 तक सस्टेनेबिलिटी बन सकती है गोल्ड की। जी रूपा जी, क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। WTI और ब्रेंट दोनों ही लाल निशान पर हैं। ब्रेंट क्रूड $111 पर और WTI $108 पर है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया कह रहा है कि वो भी देशों पर प्रतिबंध लगाएगा अगर बाकी देश प्रतिबंध उस पर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मार्केट में भी देशों ने कह तो दिया है कि वो रशिया से अपना कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई भी टाइट ही देखने को मिल रही है। अभी इतना फ्लो क्रूड की सप्लाई का देखने को नहीं मिल पाया जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में क्या अभी भी कच्चे तेल में और बढ़त की संभावना है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कच्चे तेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $120 तक की तेजी जो है कच्चा तेल दिखा सकता है और वहां तक सस्टेन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो फंडामेंटल है, जो स्थितियां हैं अभी की, उसके हिसाब से तो एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल बढ़त की तरफ बना रह सकता है। नो डाउट सप्लाई के मांग के मुकाबले अभी मांग अभी भी तेज है और इस वजह से भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। अगेन इंपैक्ट आएगा करंसी का, और करंसी किस तरीके से रिएक्ट करती है उसका असर आगे चलकर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं कि यूरोपियन यूनियन भी फिलहाल रूस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उनकी भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं, तो इसे कच्चे तेल की कीमतों पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक बार दबाव आ जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। और वहीं जो चाइना में कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, अब वो भी हटने की एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हट सकती है, तो वहां से एक मांग निकलती हुई दिखाई दे सकती है जो फिर कच्चे तेल की कीमतों में सपोर्ट ला सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो सिनेरियो है वो काफी पॉजिटिव है और डिमांड अभी बनी रह सकती है मार्केट में, तो कच्चे तेल में हम इतने स्तर पर बाइंग होनी चाहिए और यहाँ पर लेवल एक्सपेक्ट करें $120 ऊपर में जा सकता है, और डोमेस्टिक क्या रुझान लग रहा है आज आपको इंट्राडे में? क्योंकि इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में बेस मेटल्स में मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन में है, प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि ऊपरी स्तरों से आ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। कॉपर की बात करें तो नीचे में 762 से 760 आज इंट्राडे में हो सकता है, और जिंक भी नीचे में 318 से 316 तक डाउन साइड में हो सकते हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। जी
रुपा जी, नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि $8 के ऊपर सस्टेन हो रखी है। कल से, कल को भी हमने $8 के ऊपर ही देखी थी, आज भी $8 के ऊपर सस्टेन होकर ट्रेड कर रही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे अब आगे गर्मियों का मौसम है यहाँ भी और फॉरेन में भी, तो क्या गर्मियों में नेचुरल गैस का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा? देखिए, अभी जो है डिमांड निकल रही है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि सप्लाई इसकी भी डिस्टर्ब है, इस वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है नेचुरल गैस में भी, और विदेशी बाजारों के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है लगातार। आज जरूर हल्की करेक्शन है और विदेशी बाजारों के अंदर और यहाँ डोमेस्टिक में भी, लेकिन 600 के ऊपर अभी भी है, लेकिन वही 4.5% की गिरावट भी आज इंट्राडे में है, तो ये वाला हफ्ता गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है। 6% की गिरावट हो सकता है आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे जाए, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लगातार तेजी के साथ जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 साल की ऊंचाई पर प्राइसेस फिलहाल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और रूस पर जो ये प्रतिबंध लगातार लगते जा रहे हैं उसका ही असर सबसे ज्यादा एनर्जी मार्केट पर आता दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से कीमतें तेज है। वैसे इतना अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था जितना अभी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। जी रूपा जी, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो अपनी रशिया से जो नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है अपने देश लेकर आता है 2027 तक उस पर काबू पा लेगा, यानी कि उस पर डिपेंडेंसी जो है वो कम कर देगा और आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो रूपा जी, इन ऐसी चर्चाओं के चलते नेचुरल गैस में मंदी आनी चाहिए या फिर तेजी? देखिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है नो डाउट दूसरे देशों के ऊपर अगर डिपेंडेंसी कम होती है तो डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा डिमांड को मीट कर पाएगा तो कीमतें जो है वो स्टेबल रहेंगी या फिर मतलब एक रेंज में रह सकती है, यानी नीचे की तरफ रह सकती है, बहुत ज्यादा तेजी में मार्केट फिर नहीं रहेंगे। ये जो तेजी बन रही है उसका मेन कारण यही है कि डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही, इस वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है और काफी चीजों के लिए हम काफी कंट्रीज जो है वो रूस के ऊपर डिपेंड करते हैं और अब रूस से काफी चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, इसकी वजह से भी प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जहाँ पर कच्चा तेल हम महंगा होता देख रहे हैं तो उसका असर सभी कमोडिटीज के ऊपर भी, काफी कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा तो बाकी चीजें महंगी, तो ये सारा एक जो सर्कल है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अभी फिलहाल मार्केट जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर रूस और उसमें थोड़ा सा ईज ऑफ आता है तो डेफिनेटली सब चीज स्टेबल होती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कमोडिटी बाजार के वर्किंग डे लास्ट वर्किंग डे है आज पूरे वीक का, आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए? देखिए, आज इंटरडे में मुझे लगता है गोल्ड 50,680 तक ऊपर जा सकता है, 680 से 800 तक की तेजी गोल्ड पकड़ सकता है। वहीं क्रूड की बात करें तो नीचे में 84 से लेकर आज करेक्शन आ सकती है, 8,400 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहां से अगेन जो है बाइंग इनिशिएट होगी जो की 84-80 तक ले जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रूड में गिरावट पर खरीदारी करें और सोने में भी बाइंग करके चला जा सकता है, आज 50,800 तक के स्तर संभव है कि देखने को मिल जी। ये से रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमिटीज के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, काफी ट्रिगर्स है आने वाले हफ्ते में भी, काफी डेटा रिलीज होने हैं और किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा वो उसके बाद डिसाइड होगा, लेकिन ट्रेंड जो है अभी भी मार्केट का पॉजिटिव रहने वाला है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।